नमस्ते। टेस्टी खाना बनाना में मैं बंदा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सोचो जब हमारे पास दाल खिचड़ी लेफ्ट ओवर बच जाता है ना, तो समझ में नहीं आता है हम करें तो करें क्या इसको। कोई खाने के लिए रेडी नहीं होता है, उसका कुछ तो ना कुछ हमें ज़रूर बनाना पड़ता है। जब वो नए रूप में हम उसका कुछ यूज़ कर लेते हैं, बना लेते हैं, नई रेसिपी रेडी कर लेते हैं, तो वही सब लोग एकदम मन से प्यार से खाते हैं और कम पड़ जाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ ना लेफ्ट ओवर दाल का पूरी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सोचो अगर मैं रात का दाल बचा है, सुबह उठ के बढ़िया उसका पूरी बना के दही के साथ आप सुबह सुबह नाश्ते में सर्व कर सकते हैं, उसको सब्जी के साथ खा सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूरी नहीं कि उसके साथ सब्जी आपको चाहिए चाहिए, क्योंकि वो दाल से बना हुआ रहता है पूरा, उसमें बढ़िया फ्लेवर रहता है, पूरी में चटपटा लगता है वो खाने में। तो उसको पिकल के साथ भी खा सकते हो, दही के साथ तो सबसे बेस्ट लगता है। तो मेरे पास ना मिक्स दाल है, पांच दाल का मिक्स है ये, तो बच गया है उसी का मैं आज आप लोगों के साथ पूरी की रेसिपी शेयर करूँगी। लेकिन दाल कोई भी हो, चाहे तुअर का हो, मसूर का हो, कोई भी दाल हो, बनाने की विधि सेम ही रहेगी। इसी तरह से आप लेफ़्ट ओवर दाल का इस्तेमाल करेंगे। और भी बहुत सारी रेसिपी मेरे चैनल पर है लेफ़्ट ओवर की, कैसे कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं आप चेक कर सकते हो। चलो हम शुरू करते हैं एकदम बढ़िया नाश्ता बनाने की रेसिपी। यहाँ पे मैंने 2 कप भर के गेहूँ का आटा ले लिया है। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि फीका ना लगे, बहुत थोड़ा सा। दाल में नमक ऑलरेडी होता ही है, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और बहुत थोड़ा सा इसमें कलर देने के लिए हल्दी पाउडर, और बहुत थोड़ा सा मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। मसाला आप स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है डालना। अब ये हमारा यहाँ पे लेफ़्ट ओवर दाल है, मिक्स दाल, ये देखो पांच दाल का मिक्स है ये। अब ये हम मिक्स करके, अगर मैं आप चाहे ना मोयम पूड़ी में पसंद करते हैं तो आप इसमें 2 टेबलस्पून का मोयम भी दे सकते हैं, तेल या घी डाल सकते हैं। मैं पूड़ी में अक्सर मोयम नहीं देती हूँ तो इसलिए मैं नहीं दे रही हूँ। अब मिक्स करने के बाद दाल को थोड़ा थोड़ा डाल के हमें इसमें गुनना है। अगर में दाल ज़्यादा है तो भाई आप जितना बनाना होगा पूरी उतना ही बनाना। अगर में दाल कम है, आटा ज़्यादा है, तो पानी डाल के आप गुन सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। आई थिंक आटा और पूरी नहीं, आटा और दाल दोनों एकदम परफेक्ट होगा मेरा लग रहा है। अगर मैं सपोज़ गीला भी हो जाएगा तो इसमें आटा डाल देंगे थोड़ा सा, और आई डोंट थिंक कि कुछ भी डालने की ज़रूरत है। ये देखो यहाँ पे हमारा दाल और आटा दोनों एकदम परफेक्ट हुआ है। इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, और जिस तरह से हमें डो चाहिए ना उसी फॉर्म में ये आ गया है। अभी थोड़ा सा इसको और हम मिक्स कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा गुनने की ज़रूरत नहीं है इसको, बस खाली अच्छी तरह से ये वाइट वाइट जो आटा दिख रहा है इसको हम मिक्स कर लेते हैं। डो हमारा लग के रेडी हो गया है। इसमें ब्लैक ब्लैक जो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, कुछ कुछ दालें जो थी ना वो स्किन वाली थी, तो स्किन के साथ ही है वो। अब इसमें हम थोड़ा सा 1/2 टीस्पून जितना तेल लेंगे, ऊपर से लगा के इसको हम 5 मिनट के लिए रख देते हैं सेट होने के लिए। थोड़ा सा सेट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, कवर करके रख देंगे हम। डो हमारा एकदम बढ़िया सेट हो गया है, इसको हम चकले पे ले लेंगे और एक बार बढ़िया इसको और स्मूद कर लेंगे हम। अब इसमें से छोटी छोटी लोइयां काट लेंगे, जैसे हम पूरी बनाते हैं बस उसी तरह से अब हमें करना है इसको। छोटी छोटी लोइयां देखो इस तरह से काट करके निकाल लेंगे। तेल मैंने साइड में रख दिया है गरम होने के लिए, घी या तेल में फ्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे तेल लगा लिया है, थोड़ा घी या तेल लगा सकते हैं बेलने के लिए। अगर मैं ना बेल पाए घी या तेल लगा के, तो आप सूखा आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तुरंत वही पूरी गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है ना, तो थोड़ा सा मैंने पेड़ा निकाल लिया है। जैसे जैसे लोग खाते जाएँगे वैसे वैसे हम इसको बनाते जाएँगे। तो आप एक बेल सेक सकते हैं, पूरी का क्या है कि स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो सबके बस की बात नहीं है एक बेलना और एक सेकना। तो आप अगर मैं नहीं, आपकी स्पीड सही है, तेज़ है, तो मेरी तरह ना कुछ बेल के
रख के फिर सेकेंगे, फिर कुछ बेल के सेकेंगे, ऐसे कर सकते हो, थोड़ा लाइफ ही ईजी हो जाता है। तो हमें बस इसी तरह से बेल करके इसको रेडी कर लेना है। एक बार में मैंने इतना बेल करके रेडी कर लिया है। ये देखो, पूड़ी को सेकने के लिए तेल थोड़ा सा गर्म चाहिए होता है। मीडियम गर्म तेल में ये पूड़ी फूलती नहीं है, तो थोड़ा सा भी हम गर्म कर लेते हैं। बराबर अभी गर्म नहीं हुआ है, तेल गर्म हो गया है। एक एक पूड़ी हम इसमें डाल के और हल्के हाथ से इसको हम ऊपर से प्रेस करते रहेंगे ताकि पूड़ी एकदम अच्छे से फूले। हमारा एक साथ में दो तीन चार भी डाल सकते हो, नहीं तो मेरी तरह तेल मैंने कम डाला है तो इसलिए एक एक मैं करके सेक रही हूँ और कढ़ाई भी छोटी सी है। कितना बढ़िया देखो इसमें कलर आ रहा है और पूरी फुल भी रही है। सी इतना ऐसे ही सारे पूरी को हमें सेक करके रेडी कर लेना है। बस एक निकालेंगे, दूसरा हम साइड में डालते रहेंगे और इसको भी हल्के हाथ से ऊपर से हम ऐसे हिलाते रहेंगे, हल्के हाथ से प्रेस करते रहेंगे। जो पूड़ी नहीं फूलने वाली रहती है ना, ऐसे करने से वो भी अच्छे से फूलती है। सी ये भी एकदम बढ़िया देखो फूल गया, पलट देंगे। दोनों साइड एकदम बढ़िया कलर आ गया है, अब इसको भी निकाल लेंगे। अब हम तीसरी पूड़ी डाल देंगे। इसी तरह से हम अपनी सारी पूड़ी सेक करके निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारा एकदम टेस्टी बढ़िया क्विक लेफ्ट ओवर दाल की पूड़ी बनकर रेडी हो गई है। यहाँ पे मेरे पास आलू की सब्ज़ी मैंने बनाई थी। आलू की सब्ज़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है, प्लस दही के साथ इतना अच्छा लगता है कि पूछो मत। इस तरह से आप लोग भी एकदम बढ़िया क्विक ब्रेकफास्ट बना करके या कभी भी लंच डिनर ब्रेकफास्ट कभी भी बना करके इसको एंजॉय कर सकते हैं। सी कितना अच्छा लग रहा है और ये मसालेदार है, बढ़िया टेस्ट लगता है इसका। आप लोगों ने देखा कितने अच्छे से यूज़ में आ गया हमारा लेफ्ट ओवर दाल का पूरी कम भी पड़ गया। रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और नए होंगे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।